बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बिरयानी बनाई है चिकन की, बहुत स्पाइसी सी है। इसे देगी बिरयानी भी कह सकते हैं। आप इसे चेक कीजिएगा, बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी हमारी ज़रूर पसंद आएगी। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिया करें, हौसला अफजाई मिलती है इससे। और दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। वेलकम टू आवर चैनल किचन डायरीज। एक कप हमने इसमें घी लिया है। घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ्राई करेंगे प्याज को, जो हमने 3 मीडियम साइज़ के लिए और बारीक स्लाइस कर लिए उनको ना। गोल्डन ब्राउन करेंगे इसे, फिर हम बाहर निकाल लेंगे इसमें, फिर बाकी मसाले डालेंगे। तकरीबन हो गई, अभी से हम बाहर निकाल लेंगे। ये 1 kg गोश्त लिया हमने चिकन का, जिसमें शामिल कर रहे हैं। अगर हम इसकी भुनाई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट कलर हो जाए, तो फिर हम बाकी इसमें मसाला जो शामिल करेंगे। अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। ये खड़े गरम मसाले लिए हैं हमने। इसमें दालचीनी के टुकड़े हैं 2 से 3, 2 बादियान के फूल हैं, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची है हमारे पास, ज़ीरा है सफ़ेद, काली मिर्चें हैं 20 से 25 दाने, तेज़पत्ता है, और ये शाही ज़ीरा है हमारे पास, और लौंग है। इसे हम शामिल करेंगे इसमें। इसमें तमाम ये मसाले डालेंगे ड्राई। ये हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, अदरक लहसुन लिया है हमने, मोटा मोटा कूट लिया है, 3 टेबल स्पून लिया है, और ये हरी मिर्चें मोटी मोटी कूट ली हैं, 20 से 25 हरी मिर्चें ली हैं हमने, और कड़ी पत्ता शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला लिया है रेडीमेड, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून हमने कुटी हुई मिर्च ली है, नमक टेस्ट के हिसाब से लिया है, थोड़ा सा चाइनीज़ नमक लिया है, ये बिरयानी जो बनाते हैं तो उसमें इन्हेंस करता है इसके टेस्ट को। सौंफ लिए हमने 1 टीस्पून, और साबुत धनिया है जिसे मोटा मोटा कूट लिया, 1.5 टेबल स्पून लिया हमने। तमाम मसाले शामिल करेंगे इसके अंदर। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लिया ताकि मसाले हमारे लगे नहीं। 4 मीडियम साइज़ हमने टमाटर लिए हैं, जिन्हें बारीक स्लाइस कर लिया है, 5 से 6 हमारे पास आलू बुखारे हैं। अब इसमें हम 1/2 टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इस्तेमाल कर रहे हैं आलू बुखारे इसमें डाल के। 1 टेबल स्पून हमने इसमें नींबू का रस डाला है, वो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। माशाल्लाह से इसका कलर देखें, बहुत ही प्यारा, और इंशाल्लाह ताला जब ये रेसिपी तैयार होगी तो बहुत सी पसंद भी आएगी। अब इसमें हम ढक रहे हैं, और ढक के 10 मिनट के लिए दम पे देंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है ना चाट मसाला शामिल कर रहे हैं, इससे भी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक प्याली हमने दही लिया है, जिसे अच्छी तरह फेंट लिया है। 1/2 कप का ये भी इस्तेमाल करेंगे, 1/2 कप हम दम लगाते टाइम इस्तेमाल करेंगे। मिक्स कर रहे हैं इसको। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। ये गोल्डन की हुई प्याज है, ये भी हम इसमें आधी शामिल करेंगे और आधी दम लगाते टाइम शामिल करेंगे। ये ऑयल हम निकाल रहे हैं इसमें से, जो हम बाद में दम लगाने में यूज़ करेंगे। इसमें हम नमक डाल रहे हैं, जो चावलों के पानी बॉयल कर रहे हैं। इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, 2 तेज़पत्ते हैं छोटे छोटे, बादियान का फूल है, काली मिर्चें 4-5, और ज़ीरा। 1 टीस्पून हम सिरका डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल रहे हैं, इससे चावल खिले खिले रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। जी हमने सेलर राइस लिए हैं, अभी हम बॉयल करेंगे। चावल हमने 3 मिनट बॉयल करें और निकाल लें, क्योंकि सबसे पहले तेल लगाएंगे तो थोड़े कच्चे चावल इस्तेमाल करेंगे हम।
चावलों का पानी निकाला है हमने, जो हम दम लगाएंगे बिरयानी तो उसमें डालेंगे। ये इसमें हम जर्दे का रंग शामिल कर रहे हैं जो हमने आधा दही बचा के रखा था। ये केवड़ा शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। ये बिरयानी एसेंस है, हाफ टी स्पून के करीब हमने शामिल करा है इसमें। वन टी स्पून चाट मसाला शामिल कर रहे हैं हम इसके अंदर। इसमें हमने टमाटर लिए हुए हैं, धनिया है बारीक कटा हुआ, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं और प्याज है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ये हम दम लगाने में इस्तेमाल करेंगे। जावित्री और जायफल का पाउडर है, इसे हमने पीस लिया है, इसे भी हम इसी में शामिल करेंगे और ये बहुत थोड़ी सी मकदार में शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अब हम तेल लगाने जा रहे हैं, गोश्त हमारा गर्म है, हम इसमें डालेंगे। अब हम इसकी तह लगाएंगे और मसाले को हम साइडों पे करते जाएंगे और बीच में हम एक होल रखेंगे। हमने फेंट के रखा हुआ, अब हम वो चावल डालेंगे जो हमने सबसे पहले निकाले थे। अब हम इसे कपड़े से साफ करके डालेंगे सारे चावल, ताकि ना चावल हमारे टूटे नहीं। अगर हम कबीर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो चावल टूट जाते हैं, तो इससे रिलैक्स होते सारे चावल माशाल्लाह से। अब ये चावल है जो हमने बाद में निकाले थे, पूरा कवर करेंगे हम इसे। अब बाकी जो हरा मसाला है वो डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा हम कलर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और अब फिर चावल डालेंगे हम। और ये आखिरी लेयर है, इसमें हम थोड़ा सा जो मसाला बच गया हरा वो डाल रहे हैं। अब हम ये सारे चावल डाल देंगे इसमें, वही कपड़े से साफ करेंगे ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। अच्छी तरह से फैला देंगे इसे। अब ये जो बॉयल पानी निकाला था ये डालेंगे हम एक कप के बराबर इसमें, इससे इसकी स्टीम बहुत अच्छी बनेगी। ये ऑयल जो हमने शुरू में निकाला था अब हम उसे ही डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज डाल देंगे ऊपर से। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। आज को जो है 5 से 7 मिनट तेज रखेंगे, उसके बाद हम स्लो कर देंगे। माशाल्लाह से देखें बिरयानी रेडी हो गई है। इसके चावल देखें कैसे खिले खिले हैं, ज़बरदस्त। कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा आया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे।